बाउल में 1 कप मैदा ले लेना है और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च लेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक और 3 चम्मच ऑयल और थोड़ा सा पानी जितना रिक्वायर्ड हो डो बनाने के लिए। सॉफ्ट सा अच्छा सा डो बना लेना है। ये हमारा समोसों का अच्छा सा प्यारा सा डो तैयार हो गया, चटपटा मसाले वाला डो। ये 2 आलू थे, इसको हमने बॉईल किया और इसे मैश कर लिया। जो बॉईल करके मैश कर लिए, एक चिकन था मेरे पास थोड़ा सा बॉयल हुआ वो खाने से थोड़ा सा था, उसको मैंने रेशा रेशा करके अलग छोटे छोटे कर, आधी प्याज, धनिया पुदीना और 2 मिर्ची चौक। बॉयल मैश के बाद में अब जाएगा चिकन जो हमारे पास बॉयल था और मसाला उसमें लगा हुआ था, थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो डालेंगे हम। इसमें जो मसाले जाएंगे, ज़ीरा आधा चम्मच, धनिया साबुत धनिया 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी आधे से भी कम। सारे मसाले डालेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे अच्छे से मिक्स कर लिए, सब कुछ अच्छे से ताकि सब कुछ ताकि ज़्यादा सबके अंदर तक चला जाए। मसाला तैयार हो गया, अब समोसे की पट्टी बनाएंगे और फिर मसाला फिलिंग करेंगे। इतना सा पेड़ा बनाना है, इसको बेलना है, रोटी बनानी है। मैं आपको दिखाते हैं कैसे बनानी है रोटी और पट्टी बनानी है और उसे बीच से कट करनी है। बना के इसे बेल लेना है, रोटी बनानी है तो उसे बीच से कट करना है, दिखाते हैं। समोसे की समोसे की पट्टी बना दी, अब इसे बीच से कट करेंगे। देखिए अब इसे करेंगे और समोसे की देंगे शेप। समोसे की शेप बन गई, इसके अंदर मसाला डाल देंगे, मसाला भर दिया, अब इसे समोसे तैयार हो गया। तो तैयार हो गया, अब बाकी के समोसे बनाएंगे फिर मिलते हैं। हमारे समोसे हो गए तैयार, अब इनको हम करेंगे फ्राई और फिर बताएंगे और दिखाएंगे। ऑयल और इसे अब गर्म करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे, पहले हाई फ्लेम पे करेंगे फिर मीडियम लो फ्लेम पे हम अंदर डालेंगे। अब समोसे डालेंगे ऑयल में, इनको फ्राई करते हैं। समोसों को करेंगे फ्राई बहुत प्यार से करेंगे इनको फ्राई, वरना समोसे हमसे नाराज भी हो सकते हैं और अच्छे से फ्राई ना हुए तो, इसलिए हम प्यार से फ्राई करेंगे। पक्के तैयार हो गए, इनको निकालेंगे। ये लो जी, हमारे समोसे वहाँ से हो गए हैं तैयार। समोसों को भी इज्जत देनी चाहिए, अच्छे ना बनते तो फिर हम क्या करते। चिली सॉस और इमली की चटनी के साथ हमारे समोसे महा से स्पेशल समोसे।